नमस्कार फिफ्थ क्लास बेटा, आज हम पढ़ेंगे हिंदी रीडर का पार्ट दो, हथेली पर बाण। ठीक है, ये चैप्टर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगी, ठीक है ना, इसको आप ध्यान से समझना। पार्ट दो में क्या है, इसका टॉपिक है हथेली पर बाल। जैसे हमारे पूरी बॉडी पर बाल होते हैं ना, इसे पूछा गया है कि हमारी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं होते। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था, तो जो बादशाह अकबर थे वो अपने राजसिंहासन पर बैठे थे और बाकी सभी दरबारी भी अपने अपने आसनों पर बैठे हुए थे। अचानक से बादशाह के दिमाग में एक विचित्र सा प्रश्न आया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीरबल को अपनी हथेलियां दिखाते हुए पूछा कि बीरबल ये बताओ कि जैसे हमारे दूसरे अंगों पर बाल आते हैं, वैसे हमारी हथेलियों पर क्यों नहीं उगते। अब जो जितने भी दरबारी थे उन्होंने जब ये चीज सुनी तो वो मन ही मन में बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि अच्छा हुआ कि अब जो बीरबल है वो शायद हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर ना दे पाए और फिर बादशाह उस पर नाराज होंगे। तो वो मन ही मन में इतना सोच रहे थे, तो इतने में जो बीरबल थे वो तुरंत बोले कि बादशाह सलामत, आप हर रोज अपने इन हाथों से जो दान करते रहते हो, इसलिए आपकी हथेली पर बाल कैसे उग सकते हैं। तो अब जो बादशाह अकबर थे उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ आई, मतलब उन्होंने जब अपनी प्रशंसा सुनी तो उन्हें बहुत ही खुशी हुई, लेकिन उन्होंने अपनी प्रसन्नता को अपने अंदर ही दबा लिया। उन्होंने कुछ सोच कर फिर बोला कि वो बोलते हैं कि बाल तो तुम्हारी भी हथेली पर नहीं है बीरबल, लेकिन ऐसा क्यों है कि तुम्हारी हथेली पर बाल नहीं है। अब बीरबल जो थे वो बहुत ही हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा कि जहांपना, आपका कारण तो बहुत ही स्पष्ट है, आप उदारता से दान देते हो, ठीक है, और उसी दान को मैं ग्रहण करता हूँ, तो इसलिए भला मेरी हथेलियों पर बाल कैसे उग सकते हैं। अब ये बात सुनकर तो बादशाह अकबर और भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्हें भी इस चीज की तारीफ मिली। लेकिन उन्होंने बीरबल से तीसरा फिर प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि एक बात बताओ कि जो बाल होते हैं वो तो किसी भी दरबारी की हथेली पर नहीं है, इसका क्या कारण है। अब ये सवाल सुनते ही बीरबल ने कहा कि जापना, दरबारियों की हथेली पर बाल उगते तो हैं, लेकिन उनके अंदर ईर्ष्या की इतनी भावना है कि उनकी हथेलियों जो उनकी जलन की भावना है वो हथेलियों की हजामत करती रहती है। तो जो दरबारी थे वो बेचारे पहले ही जले भुने तो बैठे थे, अब वो ईर्ष्या की आग में और ज्यादा जल गए। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, बीरबल को अपनी बात स्पष्ट करने का मौका मिल गया। तो बीरबल ने कहा कि जापना, आप मुझे उदारता पूर्वक दान देते हो, ठीक है, तो भला ये चीज इन दरबारियों को कैसे अच्छी लगेगी। वे क्या करते हैं उस वक्त, वे अपनी ईर्ष्या की भावना से यानी जलन की भावना से अपने हाथों को मलते हैं ऐसे, ठीक है, और जब वे अपने हाथों को मलेंगे तो सीधी सी बात है हथेलियों के बाल तो झड़ जाएंगे। अब ये बात सुनकर जितने भी दरबारी बैठे थे वो सभी बीरबल की बात सुनकर हंस पड़े। अब जो बेचारे दरबारी थे उनका चेहरा बेचारों का मुरझा गया और वो अपने हाथ मलते रह गए। ठीक है, आपको कहानी कैसी लगी, एक बार इसे दोबारा से इस वीडियो को सुनना और समझना। ठीक है, धन्यवाद।